सबके बारे में हमें बताना चाहिए ताकि कोई भी हमें आके अपना ज्ञान ना बढ़ाए। जिस लड़की ने ट्रस्ट किया किसी पर, प्यार का ट्रस्ट किया, लेकिन उसने उसे उसके साथ धोखा किया। हमने तो यही सीखा कि अपना धर्म मतलब हमें नहीं छोड़ना चाहिए। रियल में उसके साथ बहुत बुरा होगा, जैसे कि मैं अडल्ट हूँ, मैं इस जनरेशन की हूँ। मेरे ऊपर बताया है कि हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका में ये फिल्म बहुत दिखाई जा रही है। और यही नहीं कि पहले जो बॉलीवुड फिल्म लगती थी उनको सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही देखते थे, अब वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, पर्सियन, सभी लोग अपनी बच्चियों तक को ये फिल्म दिखा रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि ये हकीकत है और इसको देखना बच्चों को बहुत जरूरी है। तो बोला अंदर से ना मेरी रूह का अपगई। हमारा धर्म के बच्चे भी तो ऐसे हैं जो अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं। द केरला स्टोरी लगातार फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच के द्वारा महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को दिखाई जा रही है और ये निशुल्क शो जो है वो चलाया जाता है हिंदू जागरण मंच की तरफ से। आज फिर से एक शो चलाया गया है और वसी जी हमारे साथ हैं। और वसी जी, आज कितनी महिलाओं को आप ये फिल्म दिखा रही हैं? ये हमारी 60 के करीब आज बहनें हैं यहाँ पर जिन्हें हम ये फिल्म दिखाने लाए हैं और लगातार आप देख रहे हैं हिंदू जागरण मंच की तरफ से लगातार शो दिखाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद पूरे देश में ही दिखाए जा रहे हैं। पर मैं चंद्रनगर फिरोजाबाद की निवासी हूं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सारी बहनों को ये फिल्म दिखाएं। बहुत ही एकदम मतलब क्या बोला अंदर से ना मेरी रूह का अपगई सब चीज़ों को देखते हुए। बहुत ही ज़्यादा मतलब जिस तरीके से मोमडन्स लोग उनको काट रहे थे, मतलब एक तरीके से जानवर की तरह काट रहे थे उनको, मतलब नहीं कि वो उनकी तरह ही एक इंसान है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो काटे जा रहे थे। पहली बार वो जैसे एंटर हो रहे थे और उन्होंने एक तरीके से उस जानवर को काट दिया। मोमडन्स लोग बोलते हैं कि उनका मजहब ये सिखाता है उन्हें कि एक अगर आप लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको ऊपर जाके नरक मिलेगा और आपको जलाया जाएगा। मतलब इस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जा रहा था कि वो मोमडन्स लोग हिंदू लोग मोमडन्स में कन्वर्ट हो जाए। कुल मिला के बहुत ही अच्छी मूवी थी, आप सभी को देखना चाहिए। राधे राधे। हाँ, मूवी वॉज क्वाइट गुड, बहुत अच्छी मूवी थी। मूवी में एक मैसेज ये भी था कि हर जो रिलीजन, जैसे हमारा हिंदू रिलीजन है, हमारा सनातन धर्म है, लोगों को अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को उस धर्म के बारे में बताना चाहिए। हमारा धर्म के बच्चे भी तो ऐसे हैं जो अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं है। जब वो जानते ही नहीं है इसीलिए जब लोग उन्हें मैनिपुलेट करते हैं तो वो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। जब कुछ लड़कियां अपने धर्म के बारे में जानेंगी तो किसी का हक नहीं है कि वो हमारे पे आके अपना धर्म हमें को समझाए। मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, वो एक कम्युनिटी है, कोई आके हमें समझाए कि अल्लाह ये होते हैं, अल्लाह ये होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी देर इज नो वन अकॉर्डिंग एक्सेप्ट सनातन धर्म, वी आर फ्रॉम सनातन धर्म। सबका पहले जन्म जो हुआ है हिंदू धर्म से ही हुआ है, ओनली देर इज हिंदू धर्म। अगर आप अपने धर्म को मानते हो तो किसी का आपके अधिकार नहीं है कि वो आए और आपके ऊपर मैनिपुलेट करे। थैंक यू। सो व्हाट लेसन यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस मूवी? वी मस्ट हैव नोन आवर रिलीजन। हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जो हमारी चीज़ है, हमें उसके बारे में जानना चाहिए। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग, मैं अडल्ट हूँ, मैं इस जनरेशन की हूँ, हमें ये नहीं देखना चाहिए, पार्टीज वगैरह सब अलग है, बट हमें अपना धर्म भी जानना चाहिए। वी मस्ट हैव रीड भगवद गीता, रामायण, अपने जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे 33 करोड़ 33 कोटि देवता हैं, सबके बारे में हमें बताना चाहिए ताकि कोई भी हमें आके अपना ज्ञान ना बढ़ाए। हमें अपना ज्ञान थोड़ा अपने अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए जो हमारा सच है, जो हमारा सच है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे पवित्र धर्म, सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म सबसे पहले था, उसके बाद कोई धर्म नहीं आया था। थैंक यू। वी मस्ट नो अबाउट अस। सॉरी, वी मस्ट नो अबाउट अस। हां, वी एवरी मस्ट नो अबाउट अस, मींस एवरी चिल्ड्रन मस्ट हैव नोन। अगर आप अपने बच्चों को भी कुछ सिखा रहे हो तो यू मस्ट हैव टीच दी कि सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है। बेटा, हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, कोई जाति नहीं, हम सॉरी इस धर्म से बिलोंग करते हैं। हम जब हिंदू को धर्म सिखाते हैं तो हम धर्म में जाति बांट देते हैं कि अब इस जाति का, अब इस जाति का, इसलिए तो हिंदू सारे अलग अलग हो जाते हैं। और मुस्लिम से कभी आप मुस्लिम से पूछना आप कौन से मुस्लिम, तो कभी कोई मुस्लिम नहीं बोलता वी आर फ्रॉम सन्नी मुस्लिम, वी आर फ्रॉम शिया मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम को जानते हैं वो उन्हें क्या बोलना है। मुस्लिम एक कम्युनिटी अपना अलग बना के चलती है। अगर यही हम यूनिटी अपनी हिंदू धर्म में दिखाएं तो कोई किसी का अधिकार नहीं है कि हमारे ऊपर आगे अपना हमें अपना स्लेव बनाए या हमसे अपना रूल करवा दे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। धर्म के खिलाफ दिखाया है, अच्छा लगा देखिए। बच्चियों के लिए जो कुछ दिखाया है सही दिखाया। आपने क्या सीखा? हमने तो यही सीखा कि अपना धर्म मतलब हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपने क्या सीखा? मैंने भी सीखा, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। कि मैंने ये सीखा कि लोगों को, लड़कियों को हमें ये इंस्पिरेशन देनी चाहिए कि अपने रिलीजन के बारे में वो अच्छे से जानकारी रखें और किसी के बहकावे में ना, जो उनको अच्छा लगे वो करें, और जो भी ये गलत जो हमारा ब्रेन वॉश करते हैं उस चीज़ों में कभी ना फंसना चाहिए। और अपने रिलीजन जो हमारा हिंदू धर्म है वो भी हमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कार और बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेरित करता है। और जो मुस्लिम जो इस मूवी में दिखाया गया है उसके ज़रिए ये पता चला है कि मतलब जो ये लोग कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, और लड़कियों को इस चीज़ के बारे में हमें पहले से जानकारी देनी चाहिए।
इस मूवी का ऐसा कौन सा सीन जो आपको सबसे ज्यादा विचलित करता हो? यही था कि मतलब जिस लड़की ने ट्रस्ट किया किसी पर, प्यार का ट्रस्ट किया, लेकिन उसने उसे उसके साथ धोखा किया, तो इस चीज में हमें ध्यान रखना चाहिए। केरला मूवी जो देखी है, लड़की के ऊपर बताया है कि हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपनी रियल लाइफ को लेकर वो। तो आपने क्या सीखा इससे? सर यही सीखा है कि हर किसी, हर मजहब एक अपनी जगह ठीक है, पर अपना हिंदू मजहब सबसे अच्छा मजहब है। मैम क्या क्या देखा आपने, क्या अच्छा लगा आपको? वैसे तो पूरी स्टोरी अच्छी थी, बस मुझे बहुत डर लगा उसको देख के। रियल में उसके साथ बहुत बुरा हुआ, जैसे कि मुस्लिम लोगों का रियल में, पर ये है कि कुछ नहीं होते, लेकिन उसमें जो दिखाया गया बहुत ही डरावना था। पर अभी भी वहाँ पे बसी हुई है, मैंने बाद में देखा, अब पता नहीं। हम बस यही सोचते हैं कि बस उसको इंसाफ मिले और वो अपने घर पे वापस आ सके। ये फिल्म हम क्यों दिखा रहे हैं बच्चियों को, इस बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं, तो वो बोलना तो बेकार है, क्योंकि सभी को पता है कि हम क्यों दिखा रहे हैं। बात ये आ रही है कि जो इंडिया में जैसे बांग्लादेश है और देशों में भी बैन की जा रही है, और बात आती है अमेरिका की। अगर हमको लगता है कि हम बजरंग दल को और हिंदू रामंच को या आरएसएस को बोलते हैं कि ये लोग हिंदू आतंकवादी तैयार करते हैं, तो हम लोग उसको फिल्म को बैन कर रहे हैं, बजरंग दल को बैन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में। तो अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका में ये फिल्म बहुत दिखाई जा रही है, और यही नहीं कि पहले जो बॉलीवुड फिल्म लगती थी उनको सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही देखते थे, अब वहाँ पे क्रिश्चन हैं, यहूदी हैं, पर्सियन, सभी लोग अपनी बच्चियों तक को ये फिल्म दिखा रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि ये हकीकत है और इसको देखना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ब्रिटेन में दिखाई जाती तो समझते कि वहाँ के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे भारतीय मूल के हैं, तो वो भारतीय लड़कियों का दर्द समझेंगे, लेकिन बाइडन तो नहीं है, ना वो हिंदू जागरण से, ना वो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, ना वो भारतीय हैं, तो वो दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब इस फिल्म में सच्चाई है। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि दूसरे देशों में भी ये फिल्म दिखाई जा रही है, और चाहे जो बाइडन हो तो वो भी इस संगठन के तो कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिल्म को दिखा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हकीकत है, ऐसा हिंदू जागरण मंच का और लोगों का कहना है। मैं जी, क्या नाम है आपका? आशा बोरवाल, मैं जिला सह संयोजिका हूँ हिंदू जागरण मंच से। जी आज आप कितने लोगों को ये फिल्म दिखाने लाए? आज लगभग अभी यहाँ 70 की संख्या होने वाली है, और अभी वर्तमान में हमारी 60 की लगभग संख्या है। क्या उद्देश्य है, आप लोगों को क्यों बार बार लेकर आते हैं यहाँ पर? दरअसल हिंदू जागरण मंच की द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभी यहाँ बहनों को दिखाया जा चुका है, और जैसा कि बार बार उद्देश्य हमारा यही है, और बार बार हमारा कहना भी यही है कि प्रत्येक बहन देखेगी तो इन जिहादियों के जिहाद से बच पाएगी, और वह इनकी सच्चाई को देख पाएगी, वास्तविकता को देख पाएगी। उद्देश्य यही है कि जो हमारा भूतकाल में होता चला आया और वर्तमान में होता चला आ रहा है, इसका शिकार भविष्य में ना बने। जी,